हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका ददानी योर टीचर फॉर क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज हमने चैप्टर नंबर टू फिनिश कर लिया है अब बारी है उसके क्वेश्चंस की तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एनसीआर के क्वेश्चन हैं तो निकाल लीजिए अपनी क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स को नोट डाउन करेंगे ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के टाइम के पहले तक ऐसी हो जाए कि सारी क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर्स रेडी हैं

फैमिली या रिलेटिव में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल के बारे में भी बता सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो ये इकलौता लौता प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करता है अपसल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट नाउ वॉट डू आई मीन बाई फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलते हैं सारे के सारे चैप्टर्स जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज की तो सारे चैप्टर्स चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स टॉपिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स, जब चैप्टर के जो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसके बाद रिफ्रेशर्स और एन सी मिला के सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं और जब चैप्टर क्वेश्चन एंड एवरीथिंग फिनिश हो जाता है तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वन शॉर्ट रिविजन ऑफ द होल चैप्टर और उसके बाद जब एग्जाम पास आ जाता है तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्रैश कोर्सेस यस स्टूडेंट्स तो बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कंसेप्चुअल है अगर आप अच्छे से पढ़ते रहे कंसिस्टेंटली तो चीजें जल्दी स्मूथली आगे बढ़ेंगी एंड आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे आपके क्यू एन रजिस्टर अच्छे से बन जाएगी एंड वी विल स्टडी वेरी 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 स्मूथली सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हैट मेक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं क्योंकि वो अलग अलग सिटुएशन इनस में अलग-अलग तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं आप गिवन सिचुएशन को स्टडी करिए एंड उसके बाद मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्किल्स अप्लाई करके वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देता है ठीक है सो व्हाट मेक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरिएट एंड वन रूल कैन बी अप्लाइड टू ऑल केसेस एक ही रूल सारे केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता दस अ मैनेजर हैज़ एसेस असेस सिचुएशन एंड देन डिटरमाइन द बेस्ट सोल्यूशन टू इशू एट हैंड फॉर दिस रीजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सीबल ठीक है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका जो कंटेंट है वो इतना ही होना चाहिए चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर सो so, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी सो टाइम स्टडी क्या था कोई भी जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है टेलर ने ये स्टडी सजेस्ट की थी वो टाइम से पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम टेकन कितना होगा उससे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है कि कितने वर्कर्स की नीड है और काम कब तक खत्म हो पाएगा एक एस्टिमेटेड टाइम uh, की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम स्टडी की जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं यूजली स्टॉप वॉचेस होती है जो टेलर

ठीक है सो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यूजुअली ये काम करता है एंड टाइम स्टडी जो है ये मैनेजर्स ने मैनेजर्स uh, के डिवाइसेस का यूज करते हैं स्टॉप वॉच का आप स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम स्टडी वाज गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर इन हिज वन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ द बेस्ट टेलर वाज़ रेनाउंड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज सो टाइम स्टडी यूजुअली मेजर्ड स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ कंप्लीट जॉब एंड इट विल आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब एंड हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑल्सो सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी वेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस तो आप इस तरह से इस आंसर को अपने वर्ड्स में भी फ्रेम कर सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स ना कई स्टूडेंट्स ऐसे मुझे बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम जिस तरह का आंसर फ्रेम्ड रहता है उस तरह की हमारी लैंग्वेज नहीं आ पाती यानी कि हम उस तरह से लिख नहीं पाते हमें वो कीवर्ड्स क्लिक नहीं कर पाते एग्जाम में ठीक है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है जैसे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं स्टैंडर्ड टाइम ठीक है डेजिग्नेटेड जॉब ठीक है रिसोर्सिस रिक्वायर्ड कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब ठीक है तो ये सारे की को थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया करो एंड जब भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो उस चीज़ को दोबारा एक बार पढ़ के देखा करो एंड ट्राई टू इमेजिन वॉट यू आर रीडिंग जैसे मे को ऐसे मन में आया मैंने जैसे ही टाइम स्टडी को रीड किया कि टाइम स्टडी वॉज अंडरटेकन टू तो डिटरमाइन द दे स्टैंडर्ड टाइम डिट इज रिक्वायर्ड तो टू कम्पलीट अ डेजिग्नेटेड जॉब तो मैं अपने मन में विजुअलाइज करने लगी कि येस एक वर्कर है और वो जॉब कर रहा है यानी कि वो काम कर रहा है उसने वो काम को कंप्लीट किया मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है मैं मैनेजर हूँ मैंने उस स्टॉप वॉच को जब उसने काम चालू किया तब मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया जब उसका काम ख़त्म हुआ तब मैंने स्टॉप वॉच को ऑफ़ किया ठीक है तो ये होती है टाइम स्टडी एक आप विजुअलाइज करके चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि येस हमारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से प्रोसीड कर रही हैं ओके okay स्टूडेंट्स तो हमेशा जब भी कुछ भी पढ़ो कंसेप्चुअली अगर आपको उसे पढ़ना है तो विजुअलाइज कर करके पढ़ा करो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री नेम द प्रिंसिपल दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉड तो हारमनी नॉट डिस्कॉड का जो प्रिंसिपल एक्सटेंशन प्रिंसिपल है वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यानी साथ में काम करो अकेले अकेले मत चलो ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रायोरिटी होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया तो इंडिविजुअल का गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है सो इट्स कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिजम विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉड ओके स्टूडेंट्स तो ये आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर आंसर था स्टेट टू कॉजेज ऑफ फिटीक डेट मे क्रिएट हिंड्रेंस इन द इम्प्लॉज परफॉर्मेंस तो फेटिक के क्या कॉजेज होते हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग फर्स्ट कॉज ठीक है नो रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइडेड सेकेंड कॉज ऐसे आप बहुत सारे कॉजेज दे सकते हो अपने मन से ओके okay. सो so देखते हैं कि आपके करिकुलम में क्या आंसर मैंशन है कॉजेज ऑफ फेटिक दैट क्रिएट्स हिंड्रेंसेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ इम्प्लॉयज आर फर्स्ट नॉट हैविंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द पीपल इन सुपीरियर पोजिशंस तो अगर मैं की की बात करूं यहाँ पे अपने होता है टॉप लेवल यहाँ होता है मिडल और यहाँ होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट तो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं फेटिक यही लोग फील करते हैं रेस्टलेसनेस यही लोग फील करते हैं अब इनका अपने सुपीरियर के साथ अच्छे रिलेशंस या कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है जिस वजह से यह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि हमें रेस्ट की जरूरत है या फिर सुपीरियर खुद से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा ओके आई हैव टू स्टडी एट व्हाट टाइम द वर्कर नीड्स रेस्ट रेस्ट एंड हाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स हाउ मच टाइम आई शुड गिव एज अ ब्रेक एंड इन वॉट ड्यूरेशन आई शुड गिव एज अ ब्रेक तो ये वर्क अगर सुपीरियर्स ही नहीं स्टडी कर पा रहे तो वर्कर्स खुद से करने लगेगा और आप तब भी करके भी नहीं डाउन कर पा रहे तो ये तो गलती है ना राइट सो नॉट द ऑर्गेनाइजेशन नो रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइडेड आप ये थर्ड पॉइंट और लिख सकते हो अगर आपको कुछ एग्जाम में याद नहीं आए नो रेस्ट इंटरवल्स वर्क मतलब काम के बीच में रेस्ट नहीं दिया जा रहा है वर्कर्स को ये पॉसिबल कॉजेस होते हैं कि वर्कर को फिटीग हो रहा है यानी उसको रेस्टलेसनेस हो रही है यानी वो थक गया है अब बारी है कि उसे रेस्ट दो एंड कितना रेस्ट देना है ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है तो अगर कॉर्डियल रिलेशनस ही अच्छे नहीं है सुपीरियर पोजिशन के तो फिर तो मैनेजर मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए तभी तो ट्रेड यूनियंस हो रहे हैं ठीक है तो वर, हमेशा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म प्रिंसिपल्स क्या इंडिकेट है? करते हैं कि साथ मिलके चलो बट यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है सुपीरियर और वर्कर्स के बीच में तो इस वजह से फेटिक जो है वो हाई पीक पर हो रहा है आर पॉसिबल टू ऑफ फेटिक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज फेवरेट्स। सनक लाल एंड गगन स्टार्टेड देयर करियर इन वेल्स लिमिटेड अ प्रिंटिंग प्रेस तो सनक लाल और गगन दो लोग थे इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया वेल्स लिमिटेड में वेल्स लिमिटेड एक प्रिंटिंग प्रेस है आफ्टर गोइंग थ्रू अ रेगुलस रिक्रूटमेंट प्रोसेस और बहुत मुश्किल से इनका सिलेक्शन हुआ ठीक है यानी इनको पूरे इंटरव्यू देना पड़ा इंटरव्यू छाया थोड़ा सा टफ था इनके लिए सिंस दे हैड नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस द फर्म डिसाइडेड टू गिव देम वन ईयर टू प्रूव दैम नेम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय वेल्स लिमिटेड तो यहाँ पर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था तो फर्म ने देखा कि उनको एक साल का समय देते हैं ताकि वो सीखे काम को ठीक है तो बताइए यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ पर प्रिंसिपल यूज़ हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेलर हमेशा इस व्यू के थे कि हमें जो भी पर्सनल रिक्रूटमेंट के साथ आ रहे हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई इजी नहीं होता आप किसी वर्कर को अपनी कंपनी में लेके आ रहे हो तो सबसे पहले इंटरव्यू लेना उसका बैकग्राउंड चेक करना उसका वेरिफिकेशन करना उसके लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी स्लिप्स देखना उसके बाद जब सब कुछ परफेक्ट निकले उसके बाद कोई रिटर्न एग्जाम लेना हो या डिटेल्स पूछनी हो वो सब पूछना एक्सपीरियंस है या नहीं वो सब देखना एंड उसके साथ साथ लोकेशन अकोमोडेशन ये सारी चीज़ें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ईजी नहीं होता है इतनी मुश्किल से अगर किसी को रिक्रूट किया है उसको एक साल का टाइम दिया है तो हम क्या चाहते हैं उस व्यक्ति से एज अ ऑर्गेनाइजेशन टेलर बोलते थे कि अ पर्सनल शुड बी स्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि आप उसे काम सिखाओ और वो काम सीखने के बाद छोड़ के चा... चले जाए तो आपके तो पूरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे ना इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है उससे क्या होता है एक ह्यूमन रिसोर्स वेल्थ डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन में ओके सो टेलर एम्फसाइज ऑन दिस नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स विच टेक्निकूज बाई टेलर फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एफिशियंट एंड इनफिशियंट वर्कर तो सुनते से ही आपके मन में कौन सी आ गई डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम तो मैंने आपको यहां बताया था मान लीजिए कि फैक्ट्री ने स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट तय कर ली है जैसे उन्होंने बोला कि एक वर्कर को फाइव यूनिट्स बनाने हैं एक घंटे में ठीक है और एक यूनिट का एक यूनिट का टेन रुपीज़ मिलेगा पर यूनिट ठीक है और अगर इससे ज़्यादा का अगर मान लो कि फाइव यूनिट से ज़्यादा बना लिए तो एक घंटे का एक यूनिट का मतलब अगर फाइव यूनिट से ज़्यादा बनाएं तो एक यूनिट के फिफ्टीन रुपीज़ मिलेंगे अगर फाइव यूनिट से कम बनाए तो एक यूनिट के आठ मिलेंगे सो ऐसा उन्होंने तय कर लिया है इन द ऑर्गेनाइजेशन तो मिस्टर ए ने तो फाइव यूनिट्स बनाए तो उनको कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स उनको मिलेंगे पचास रुपए ठीक है नाउ मिस्टर बी ने सेवन यूनिट्स बनाए तो उनको कितने मिलेंगे एक घंटे में तो सेवन इन फिफ्टीन ठीक है नाउ मिस्टर सी ने केवल टू यूनिट्स बनाए तो इन्होंने तो बहुत ही कम प्रोडक्शन किया है वो भी एक घंटे में पूरे यानी रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे राइट स्टूडेंट्स तो यहाँ पे उनको मिलेंगे टू इंटू एट दैटीन रुपीज ओके सो यहाँ पे उनको मिलेंगे सो स्टूडेंट्स so, आपने खुद देखा कि यहां पर जो मिस्टर सी हैं ये तो इन एफिशियंट वर्कर हैं और जो मिस्टर ए हैं वो क्या है एफिशिएंट वर्कर हैं और बीबी क्या है एफिशिएंट वर्कर है यानी तो एफिशिएंट से भी अच्छे हैं ठीक है थीके? मतलब काम जितना बोला उससे ज़्यादा उन्होंने कंप्लीट करके दिया राइट right? तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर जो प्रोडक्शन तय है यहाँ पर जो प्रोडक्शन सेट है उतना आपने अचीव कर लिया तो आप एफिशिएंट हो और जो प्रोडक्शन सेट नहीं है उतना आपने अचीव नहीं कर पाए उस प्रोडक्शन का तो आप इनएफिशिएंट वर्कर हो और ये डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ही डिटरमाइन करता है ओके स्टूडेंट्स सो यहाँ पर यहाँ पर अपन ने देखा विच टेक्निक इज यूज बाई टेलर तो आपका आंसर होगा टेलर यूज द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अंडर विच वेजेस फॉर द वर्कर्स वी आर बेटर आर गिवन हायर वेजेस एंड देन वर्कर्स हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड आप स्टैंडर्ड से बेटर परफॉर्म कर रहे हो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म कर रहे हो आपको कम पैसे मिलेंगे राइट right, स्टूडेंट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत कंसेपचुअल है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स ये था नाउ लेट्स प्रोसीड ये था हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट सो स्टूडेंट्स इसके बाद आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन एयर है वो पूरी समझ में आई एंड हाउ टू राइट द आंसर्स ये भी आपको समझ में आया जब भी हम आंसर्स फ्रेम करते हैं तो हमें हमारे हिसाब से आंसर फ्रेम नहीं करना होता हमें सी बी एस ई के हिसाब से या स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से आंसर फ्रेम करना होता है कई बार आंसर कीज भी इशूड होती हैं, उसको पढ़ना होता है एंड एक सेट पैटर्न फॉलो करना होता है ठीक है और की का यूसेज बोल्ड पॉइंट्स का यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया लेट्स प्रोसीड टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन और उससे पहले जाने से पहले आप सभी हैं इंडिया के फेवरेट यूट्यूब चैनल लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडर से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स ये जो हमारा यूट्यूब यूट्यूब है ना यहाँ पर अगर आप प्ले सेक्शन चेक करोगे तो यहाँ पर आपको केजी से ले के से लेकर ट्वेल्थ तक की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में और जो शॉर्ट्स है यहाँ पर मैगनेट ब्रेंस के सभी टीचर्स आपको अपडेट्स देते रहते हैं और प्यारे प्यारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े राइट नाउ ये जो लाइव सेशंस हैं जब हमें आपसे इंटरेक्ट करना होता है या कुछ डाउट सॉल्विंग सेशंस लेने होते हैं या मैराथन्स लेनी होती है तो हम लाइव आते हैं एंड डेली बेसिस पे कोई ना कोई टीचर्स जो लाइव होते ही हैं सो so, यस yes, आप हमसे कनेक्टेड भी रहिए अपार्ट फ्रॉम दैट ये है हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रिंक नाउ ये वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज ऑफ ऑल द क्लासेस फ्रॉम के जी टू ट्वेल्व अब यहाँ पर आपको डी पी भी मिलती हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ज़्यादा इन्हेंस ताकि आप जो प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा आपको क्वेश्चन बनेंगे एंड वो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे अगर आपको ई नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स चाहिए तो आप गिवन बिलो लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक गिवन है आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो हम आपको तैयारी कराते हैं सी बी एस ई बोर्ड की एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हो क्यों ना स्पोकन इंग्लिश कोर्स की थोड़ी सी तारीफ कर दूं स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको हेल्प करता है नॉर्मल वर्ड्स से बेटर वर्ड्स बोलने में राइट right? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो थैंक यू सो आप दूसरे कोई शब्द उसके बदले में बोल सकते हो आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस ठीक है मतलब कुछ न्यू न्यू वर्ड्स आप सीख सकते हो सो आई नो कि आप लोगों को इंग्लिश आती होगी बट स्टिल आप इन्हांस कर सकते हो सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स उसके लिए है और इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो आप उन्हें हमारा हिंदी मीडियम चैनल रिकमेंड कर सकते हो अगर आपकी पहचान में कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड विद आस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून